माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने अपने कक्ष में एक बड़ी स्क्रीन लगाकर कंट्रोल रूम पर नजर रखने की व्यवस्था कर दी है। मोबाइल फोन से भी 24 घंटे निगरानी की जा रही है। आज दूसरे दिन हाईस्कूल एवं इंटर की परीक्षा में सख्ती से दूसरे दिन भी 28,000 बच्चे परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंचे। एक नकलची भी पकड़ा गया। यूपी बोर्ड की परीक्षा दूसरे दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। शुक्रवार को 4,47,000 परीक्षार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होना था, लेकिन 28,513 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। पहले दिन 3,33,000 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे थे। प्रथम पाली में हाईस्कूल पाली, अरबी, फारसी की परीक्षा 114 केंद्रों एवं इंटर में नागरिक शास्त्र की परीक्षा 7,362 केंद्रों पर हुई, जिसमें हाईस्कूल में 1,003 तथा इंटर में 3,71,938 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था। इसी प्रकार द्वितीय पाली हाईस्कूल में संगीत गायन 602 केंद्रों एवं इंटर की व्यावसायिक व कृषि वर्ग की परीक्षा 1,812 केंद्रों पर हुई। इनमें हाईस्कूल में 10,695 तथा इंटर में 63,865 परीक्षार्थी पंजीकृत थे। प्रथम पाली में 25,916 परीक्षार्थी तथा द्वितीय पाली 2,597 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। पूरे प्रदेश में मात्र एक नकलची पकड़ा गया। सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने बताया कि परीक्षा व्यवस्था का लगातार अपडेट किया जा रहा है। सचिव कक्ष में पूरे प्रदेश के कन्मार्ड एवं कंट्रोल रूम की निगरानी के लिए एक नया कंट्रोल रूम बना दिया गया है। यहां से सचिव एवं उनके अधीनस्थ अधिकारी भी नजर रखे हुए हैं। सचिव ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम पर सीसीटीवी कैमरे से दृष्टि रखी जा रही है। गूगल मीट के माध्यम से जिलों के शिक्षाधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है। गौरतलब है कि बोर्ड परीक्षा में 55,00,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने पंजीकरण कराया है। 8,000 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 3,00,000 से अधिक कक्ष निरीक्षक की तैनाती हुई है। सभी को QR कोड वाले आई कार्ड दिए गए हैं। उत्तर पुस्तिका को भी QR कोड के दायरे में लाया गया है। परीक्षा में नकल रोकने के लिए STF, लोकल खुफिया विभाग एवं पुलिस भी सक्रिय है।